इंडिया में अगर पुराने सीरियल्स की बात की जाए तो आज भी लोगों को वो सीरियल याद होंगे। वहीं आज हम बात करने जा रहे हैं सभी बच्चों के फेवरेट शो शक्तिमान के बारे में। जी हाँ दर्शकों, बता दें कि शक्तिमान जब भी टीवी पर आता था तो सभी उस शो के इंतजार में बैठ जाते थे, और ऐसे में शक्तिमान का एक एक किरदार लोगों को याद ही होगा। बता दें आपको कि शक्तिमान में एक किरदार जो था वो था किलविश का किरदार। जी हाँ, 90 के दशक का सबसे मशहूर शो था शक्तिमान। बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक इस शो को बड़े चाव से देखते थे लोग। वहीं फिल्म के हीरो शक्तिमान के साथ विलन भी थे इसमें, जी हाँ, और वो थे किलविश, जिन्होंने बेहद ही शानदार रोल निभाया था विलन का। वहीं आपको बता दें कि किलविश का एक डायलॉग जो कि काफी फेमस रहा था, और ये डायलॉग था, अंधेरा कायम रहे। ऐसे में हर किसी की जुबान पर शक्तिमान के इस विलन का डायलॉग जुबान पर ही रहता था। वहीं शक्तिमान को बंद हुए इतने साल बीत गए हैं, लेकिन आज के समय में किलविश कैसे दिखते हैं ये भी हम आपको बता देते हैं। जी हाँ, किलविश का किरदार निभाने वाले एक्टर आज के समय में कैसे दिखते हैं और क्या कर रहे हैं, बता दें आपको। जहां एक ओर उन्होंने विलन का किरदार निभाया था और किलविश के किरदार में उनकी लंबी सी नाक नजर आती थी, जिसे देखकर और उनके डायलॉग सुनकर ही लोग किलविश के फैन हो गए थे। जानकारी के लिए आपको बता दें, किलविश का किरदार इस शो में निभाया था एक्टर सुरेंद्र पाल सिंह ने। सुरेंद्र पाल सिंह ने महाभारत में द्रोणाचार्य, चाणक्य में महात्मा चाणक्य और महाराणा प्रताप, दिया और बाती सहित ऐसे कई सारे सीरियल्स में काम किया। वहीं वो अब तक 25 से ज्यादा सीरियल और 40 से ज्यादा फिल्मों में भी काम कर चुके हैं। लेकिन देखा जाए तो सुरेंद्र ने अपने किलविश के कैरेक्टर को लेकर कहा था कि मुकेश खन्ना को लगता था कि ये रोल सिर्फ अमरीश पुरी ही कर सकते हैं, और उस दौरान मैंने ये कहा था कि अगर किसी और से करवाओगे तब पता चलेगा कि कौन कर सकता है और कौन नहीं। ऐसे में सुरेंद्र पाल को चुन लिया गया, और मुकेश खन्ना ने सुरेंद्र से कहा कि आप करके दिखाओ तो जाने, और इस तरह सुरेंद्र को किलविश का रोल मिल गया। और सुरेंद्र ने एक बेहद चौंकाने वाला खुलासा किया कि इस रोल के लिए वो करीब 15 दिन तक अंधेरे में घर में रहे थे। वही वाकई में मानना पड़ेगा कि सुरेंद्र के इस रोल ने हर जगह पर उनकी फैन फॉलोइंग बढ़ा दी थी। इतना ही नहीं, सुरेंद्र ने किलविश की पोशाक और उसके डायलॉग्स अपने मन से ही बदल दिए, जिसके बाद में लोगों ने उन्हें खूब पसंद किया और आज भी उनके इस रोल के जरिए उन्हें याद किया जाता है। वहीं साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि इन्होंने अपने करियर की शुरुआत की थी राजस्थानी फिल्म नानी बाई रोमायोरस से, जिसके बाद ये छाए तो किलविश से। इतना ही नहीं, इसके अलावा कई भाषाओं में वो काम कर चुके हैं। वहीं साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि वो कई फिल्मों और टीवी सीरियल में नजर आ चुके हैं। फिलहाल तो उनके इस रोल के जरिए हर कोई उन्हें याद करता है। अब देखते हैं कि अगली बार सुरेंद्र पाल कब नजर आते हैं। लेकिन आपकी क्या राय है शक्तिमान के किलविश को लेकर, क्या आप कर रहे हैं उन्हें मिस, तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। फिलहाल के लिए हम चलते हैं, तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ से। प्रांशु की रिपोर्ट।